कभी नहीं चिढ़ी हूँ मैं। आलिया भट्ट का डबल स्टैंडर्ड आया सामने, बेनकाब हुई आलिया भट्ट। आलिया ने बोला सफेद झूठ। जब जब आलिया के आईक्यू लेवल पर सवाल उठता है तब तब मीडिया पर खूब भड़की हैं आलिया। पर अब जब खुद आलिया अपने आईक्यू लेवल का सहारा लेकर कर रही हैं अपनी फिल्म को प्रमोट, तो इसी डबल स्टैंडर्ड के बारे में जब जूम ने पूछ लिया उनसे सवाल, तो देखे कैसे साफ झूठ बोल गई आलिया भट्ट। Yeah, you just recently shot where you are like याद करी कुछ क्रिकेटर्स के नाम। Correct, तब आप कहा जाता है कि मतलब आप खुद का जब आप मजाक उड़ाती तो आप उसको स्पोर्टिंग ही लेते हैं, जब बट मीडिया जब आपसे सवाल पूछती तो आप थोड़ा चिढ़ जाती हैं। कभी नहीं चिढ़ी हूँ मैं, मतलब एक साल से वो ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, एक हर रोज मैं हंस के जवाब देती हूँ। I've never ever gotten irritated. आलिया का झूठ इतने पर ही नहीं रुका। जिस आईक्यू लेवल से जुड़े सवाल पर वो भड़कती थी, उसे तो वो अब बता रही है उनकी पॉपुलैरिटी का राज। मैं बस बोर हो गई हूँ ऑनेस्टली उस सवाल से, बट अदरवाइज आई डोंट गेट इरिटेटेड, देयर इज नथिंग टू गेट इरिटेटेड अबाउट। मैं अब यहाँ पे स्टेज पे कह रही हूँ, ये जोक्स की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जोक्स, थैंक यू। सिंगापुर पे मेरे जोक्स लोग पढ़ रहे हैं। लगता है आलिया आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि अगर आप कभी ऐसे सवालों पर इरिटेट नहीं हुई हैं, तो फिर ये क्या है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। एक मर्तबा नहीं, कई बार आपने इसी तरह मीडिया पर्सन्स पर निकाला है अपना गुस्सा। वेल आलिया, अब हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिए हुए इन दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई।